बाबा विश्वनाथ का शहर बनारस अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस प्राचीन शहर में मुस्लिम युवक की देशभक्ति की अनोखी तपस्या शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। गंगा की माटी से कपड़े पर हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत गीता लिखने के बाद अब वाराणसी के साथ अली भारत के संविधान को कपड़े पर लिख रहे हैं। सफेद सूती कपड़े पर गंगा की शुद्ध मिट्टी और उसके रंग को सुनहरा बनाने के लिए उसमें केसर को मिलाकर इरशाद अपने इस अनोखे तपस्या को पूरा कर रहे हैं। इरशाद अली ने बताया कि उन्होंने संविधान की उद्देश्यों को हिंदी और अंग्रेजी में कपड़े पर उकेर कर इसकी शुरुआत कर दी है। पूरे संविधान को कपड़े पर लिखने में उन्हें करीब 5 से 6 साल का वक्त लगेगा। बताते चले कि इरशाद हर दिन 5 से 6 घंटे इस पर काम कर रहे हैं। इस पूरे काम के लिए साथ खुद सामानों की व्यवस्था भी करते हैं। उन्होंने बताया कि वो गंगा की माटी को बाढ़ के बाद ले आते हैं और फिर उसे सुखा कर उसका मिक्सर में पीसते हैं। इसके बाद उस माटी को चालते हैं, उसकी फिर अपने लेखन के काम में इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी की पकड़ कपड़े पर हो सके इसके लिए उसमें खाने वाले गोंद की कुछ मात्रा को भी मिलाते हैं। बताते चले कि इरशाद ने सबसे पहले कपड़े पर उर्दू में कुरान लिखी थी। उसके बाद उन्होंने समाज और धार्मिक सौहार्द की भावना से अपने धर्म गुरुओं के सलाह के बाद 30 मीटर कपड़े पर श्रीमद् भागवत गीता को लिखा। इसके अलावा हनुमान चालीसा को भी उन्होंने कपड़े पर उकेरा और अब वो भारत के संविधान को कपड़े पर उकरने का काम शुरू कर दिया है। इरशाद अली ने बताया कि उन्हें दिली इच्छा है कि उनके हस्तलिखित ये सामान देश के अलग अलग म्यूजियम में सहेजा जाए ताकि पूरे देश गंगा जमुनी तहजीब के इस प्रेम भाव को जाने और समझ पाए। इरशाद अली ने संविधान के उद्देश्यों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया है। वो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट करना चाहते हैं। अपना पूरा परिचय बता सर। अस्सलाम वालेकुम अभिषेक भाई, नमस्ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम हाजी इरशाद अली बनारसी है। मैं आप जहाँ पे हैं, मैं बेलूपुर वाराणसी का निवासी हूँ। सर इसके पहले 2.5 महीने पहले आपको हमने बाइट दिया था, तो हमारी गीता और कुरान की दिया था श्री हनुमान चालीसा की। जब मेरी वो चीज़ कम्प्लीट हो गई तो मैं ये भारत का संविधान की है आपके सामने जो बुक है इसको लाया, तो इसके मैं सेटअप में लगा हूँ। एक उद्देशिका मैंने बनाई है इंग्लिश वाली, मैं राष्ट्रपति जी को वो गिफ्ट देना चाहूँगा। और ये आपके सामने जो हिंदी वाली है, आदरणीय हमारे प्रिय हमारे काशी के सांसद भी हमारे हरती लजीज प्रधानमंत्री जी को ये भेंट करना चाहूँगा। मगर सर इसमें एक मुश्किल कार्य ये है कि ये कम से कम 75 से 80 खंड में बनेगी, तो इसके सेटअप में हम अभी लगे हैं। एक उद्देशिका बनाई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम लिखने इसकी शुरू कर देंगे। क्या लगता है कि आपने गीता भी लिखा है 30 मीटर लंबे कपड़े पे, तो इस संविधान को लिखने में कितना वक्त लग जाएगा? सर संविधान में अगर हम 8 घंटा डेली लिखेंगे तो कम से कम 5 से 6 साल लगेगा कंटिन्यूअस। और इसको अगर कुछ कम खंड में बनाएंगे तो उसी हिसाब से खंड कम हो जाएगा। जैसे साल में आप एक ये मान के चलिए कि साल में एक बुक 6 खंड कम्प्लीट होगी। एक बड़ी प्रतिज्ञा आपने की है कि अब संविधान को भी लिखना है, गंगा की मिट्टी से कपड़े पे उकेरना है, कितना बड़ा काम इसको मानते हो? सर संविधान के लिए तो ये जो आपके सामने देख रहे हैं ये मिट्टी की लिपि है और इसमें केसर लगा हुआ है और दोनों में खाने वाली गोंद है। तो मैं जब संविधान लिखूंगा तो मेरी कोशिश रहेगी कि पहले हिंदी में लिखूं फिर इंग्लिश में लिखूं। और रही बात समय की और इसको लिखने की प्रतिज्ञा की, तो सर उसके लिए हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि सेटअप होने के बाद फिर सारी चीज़ आपके सामने आएगी। एक बार एक बुक की बाइंडिंग पहले अपनी डेमो की बना लेंगे, उसके बाद उद्देश्य ये है कि चूँकि हम जिस देश में रहते हैं हम अपने वतन से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं, धर्म से मोहब्बत तो हर इंसान की होती है। तो ये मैं अपने भारत का संविधान भी हम अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये भेंट करना चाहेंगे जब हमारा कंप्लीट हो जाए।